मेरी बातें थोड़ा दो टूक होगी और कुछ साथियों को कुछ बात समाज के लोगों को बुरा भी लग सकता है। समाज के आज के तारीख में कुछ लोग उनको जाति के दायरे में बांध देना चाहते हैं, उन्हें राजनीतिक रूप से वैचारिक रूप से उनको मार देने की कोशिश कर रहे हैं सुहा बता करके। अरे भाई बुद्ध तो एक दार्शनिक थे, बुद्ध तो एक विचार है। सम्राट अशोक के बारे में भी धारणा कि भाई कुशवाहा थे, कुशवाहा थे, और ये कह करके ऐसे लोगों को दोबारा मार देने की एक साजिश चल रही है। चार लोग मिल करके एक बंद कमरे में कुशवाहा संगठन बना लेते हैं, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, कोई राष्ट्रीय महासचिव बन जाता है, कोई दिल्ली का अध्यक्ष बन जाता है, और इससे होता कुछ नहीं है। रमेश सिंह कुशवाहा जी जो सिवान से सांसद जी के पति हैं और पूर्व विधायक भी, जोरदार तालियां, अरे तालियां बजा के कम से कम इतने जगह से सिवान से जगह पर जीतता है रमेश सिंह कुशवाहा जी का। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए अमरपाल मौर्य जो राज्यसभा सांसद हैं, कल्पना सैनी जी राज्यसभा सांसद हैं, अभय कुशवाहा जी जो औरंगाबाद से चुनाव जीते हैं चले गए, काराकाट से सांसद राजाराम जी आए हैं वो चले गए, अगर आप लोगों से गुजारिश है अगर 5 मिनट बात सुननी हो तो बात तो किया जाए, ऐसे बात रखने का कोई मायने मतलब नहीं है। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं बात तो हल्ला आप लोग शांत करें। हम तमाम साथियों से आग्रह करना चाहते हैं कि अगर आप लोग बुलाए हैं और आप लोगों ने समय दिया है तो आप लोग बात सुनिए, अन्यथा बात रखने का कोई मायने मतलब नहीं है। साथियों मैं कहना चाहता हूं मेरी बातें थोड़ा दो टूक होगी और कुछ साथियों को कुछ बात समाज के लोगों को बुरा भी लग सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं हम सिवान से हमारी पत्नी सांसद चुनी गई है, मैं वहां विधायक भी रहा हूं सिवान में 2015 से लेकर, और आप लोगों ने शहाबुद्दीन का नाम सुना होगा। शहाबुद्दीन से लड़ते लड़ते जब मेरा मूछ दाढ़ी नहीं आया था तब से उस शख्स से मैं लड़ते रहा हूं, लड़ते लड़ते इस बार मैंने उसको हराया भी है। मैं 96 में MP चुनाव लड़ा, 98 में MP चुनाव लड़ा, और उस दौर में भी शहाबुद्दीन से मेरी लड़ाई होती रही सिवान में। आज यहां हम आए जब हमें निमंत्रण दिया गया कि कंस्टिट्यूशन क्लब में कुशवाहा समाज की ओर से एक बैठक है, आप लोग उसमें आइए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे समाज में जो भी महान लोग हुए, हमारे समाज के आज के तारीख में कुछ लोग उनको जाति के दायरे में बांध देना चाहते हैं, उन्हें राजनीतिक रूप से वैचारिक रूप से उनको मार देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो इसको बंद होना चाहिए। हजारों संगठन है कुशवाहा का, न जाने कितने संगठन हैं, जो लोग बनाए हैं इस संगठन को लोग भी जानते हैं कि नहीं अपने संगठन को मैं नहीं जानता। तमाम कुशवाहा संगठनों के पास, चाहे वो बिहार का कुशवाहा संगठन हो चाहे दिल्ली का कुशवाहा संगठन हो, उसके सामने कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है और बगैर कार्यक्रम का कोई संगठन नहीं चल सकता। यहाँ कोई बेचार की नहीं है, कोई डेफ्ट नहीं है, बस दो लाइन की बात है कि बुद्ध कुशवाहा थे। अरे भाई आप कुशवाहा के उस महान बुद्ध के विचारों को आप मार देने की कोशिश कर रहे हैं जाने अनजाने, आप कुशवाहा बता करके। अरे भाई बुद्ध तो एक दार्शनिक थे, बुद्ध तो एक विचार है, एक ऐसी विचारधारा है जो दुनिया के कई देशों में फैली है। आपको बुद्ध के विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, मतलब सिर्फ इतना ही है कि कुछ बुद्ध को हम लोग कुशवाहा मान लें। मैं समझता हूं कि कुशवाहा उनको मारने की कोशिश मत कीजिए। उसी तरह सम्राट
महान सम्राट अशोक के बारे में भी धारणा है कि भाई कुशवाहा थे, कुशवाहा थे। और ये कह करके ऐसे लोगों को दोबारा मार देने की एक साजिश चल रही है, ये साजिश बंद होना चाहिए। कुशवाहा समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा और थ्योरिटिकल बनिए, और सैद्धांतिक बनिए, और डेप्थ में जाइए, और गहराई में जाइए, और इस समाज के सामने ठोस कार्यक्रम पेश कीजिए, एक ऐसा एजेंडा पेश कीजिए, चाहे वो दक्षिण का कुशवाहा हो, चाहे वो पश्चिमी भारत का कुशवाहा हो, चाहे पूर्वी भारत का कुशवाहा हो, चाहे मध्य भारत का कुशवाहा हो, सबकी एक ही समस्या है, कार्यक्रमों में एक समानता आवे और उस कार्यक्रमों के आधार पर यूनिटी बने। अगर आप उस ढंग से यूनिटी नहीं बनाएंगे तो आप जितना कुशवाहा संगठन बना ले, कुशवाहा समाज का सिर्फ और सिर्फ अहित ही होगा, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। बावजूद आप लोगों ने बुलाया, आप लोगों ने एक सकारात्मक प्रयास किया, हम तमाम लोग आए हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से आप लोगों से अपील करना चाहते हैं। कल जब लोग गए थे बिहार निवास, हम पिछले बार भी जब वहां आकर के ठहरे थे, बहुत सारे दिल्ली के कुशवाहा समाज के लोगों ने कहा कि आपको इस कार्यक्रम में आना चाहिए, हमने कहा जरूर आएंगे। लेकिन जिस ढंग से हम देख रहे हैं, दो चार लोग मिलकर के एक बंद कमरे में कुशवाहा संगठन बना लेते हैं, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, कोई राष्ट्रीय महासचिव बन जाता है, कोई दिल्ली का अध्यक्ष बन जाता है, और इससे होता कुछ नहीं है, समाज को नुकसान के अलावा समाज का भला भी नहीं होता। ठीक है, यह हाल हम बिहार में देखते हैं, आप उसी तो तरह से हम देखते हैं जगदेव बाबू के बारे में भी बड़ी प्रचार होता है, जगदेव बाबू कुशवाहा है, कुशवाहा है। अरे जगदेव बाबू कुशवाहा से बड़ा एक विचारधारा थे, उनकी अर्जक विचारधारा थी। 70 के दशक में उन्होंने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती बटकर रहेगी। लेकिन आज का दौर बदल गया है, ये फाइनेंस कैपिटल का दौर आ गया है, वित्तीय पूंजीवाद दुनिया में आ गया, भारत में भी वित्तीय पूंजीवाद आया। इस वित्तीय पूंजीवाद के दौर में कुशवाहा समाज के पास क्या नारा होना चाहिए, क्या कार्यक्रम होना चाहिए, ये हमें विचार करना होगा। अब वो नहीं चलेगा, 70 के दशक में जो जगदेव बाबू ने जो नारा दिया था, आज वो नारा लगाएंगे उसमें आपका भी नुकसान है, आपके समाज का भी नुकसान है, आप जिस पार्टी में रह रहे हैं उसका भी आप नुकसान करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, परिस्थितियां बदलती है तो नारे भी बदल जाते हैं, कार्यक्रम भी बदल जाते हैं। तो आज हम लोग बिहार में देखते हैं, हम जहां कहीं भी जाते हैं कि वहीं जगदेव बाबू का पुराना नारा वो लोग लगाते रहते हैं कि अब की सावन भादों में गोरी कलैया कांधों में। अरे अब तो धान की रोपनी भी हाथों से नहीं हो रही है भाई, धान की कटनी भी नहीं हो रही है, मशीनीकरण का दौर आ गया, नई आर्थिक नीति जब से 91 के बाद आई है हमारे देश में, बहुत कुछ बदल गया, बहुत सारी तस्वीर बदल गई, गांव की सामाजिक संरचना बदल गई, जाति की संरचना बदल गई है। इससे कोई मतलब नहीं है हमारे समाज के लोगों को, सिर्फ एक साइन बोर्ड लगा लेते हैं, उसमें घोर कार्यक्रम का अभाव रहता है और इससे हमारी समाज की एकता टूटती है, बनने के जगह पर एकता टूटती है। इसलिए कुशवाहा समाज के यहाँ बहुत सारे प्रबुद्ध लोग हैं, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, कुछ लोग हाई कोर्ट के वकील भी हैं, कुछ लोग बड़े व्यवसायी भी हैं, कुछ लोग लिखने पढ़ने वाले लोग भी हैं। उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक जितने संगठन बने हैं उसका एक रिव्यू होना चाहिए, एक सार संकलन हम लोगों को करना चाहिए कि इससे हम लोगों को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, और एक कार्यक्रम के आधार पर आप संगठन सामने लेकर के आइए, एक एजेंडा पेश कीजिए, उस एजेंडा पर सारे कुशवाहा समाज के लोग और कुशवाहा समाज के समान बहुत सारे जो सैनी समाज के भी लोग हैं या उसके समकक्ष अन्य जो उपजातियां हैं उनको भी इसे एक महासंघ बना करके जोड़ने का काम करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप लोग नए ढंग से सोचेंगे अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।